दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर हमारी सहयोगी अपर्णा ने दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से खास बातचीत की है। हमारे साथ मनोज तिवारी हैं, अभी भी झारखंड के अभी अपने चुनाव नतीजे देखे उसी को लेकर उनसे जानेंगे। सर, अगली तैयारी 2020 की दिल्ली के इलेक्शन के लिए कैसे रहेगी? देखिए, 2020 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि सरकार स्वयं दिल्ली जलाए। आम आदमी पार्टी ने वो किया। कोई नहीं चाहता है कि 15 साल रहने के बाद भी दिल्ली गंदे पानी का जहर ना खत्म कर पाए, जो कि कांग्रेस रहने के बाद भी आज पानी यहाँ का जहरीला ही है, हवा जहरीली ही है। तो 15 साल कांग्रेस, 5 साल आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने तो ऐसा कर दिया कि जो 15 साल में नहीं नुकसान किया कांग्रेस ने, वो इन्होंने 5 साल में नुकसान कर दिया। जहां देखिए, स्वयं डिप्टी सीएम हिंसा फैलवा रहा है, वो पुलिस को गलत आरोप कर रहा है, पुलिस गाड़ी में आग लगा रही है, जो पुलिस गाड़ियों को बचा रही है। सर, एक लास्ट सवाल ये है कि ये सीएए का जो मुद्दा जिस हिसाब से उठाया दिल्ली में, काफी ज्यादा हिंसक रहा, तो ये प्रभाव डालेगा कहीं ना कहीं इलेक्शन पे? ऐसा, वो सीएए का मुद्दा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी उठाए थे, लेकिन गिर गए लेके उसको गलियों में। वो गिर गए हैं, उनका हाथ मुंह टूट गया है। अब इस समय वो लोगों के सामने आ नहीं सकते। आज मेरे घर पे 300 मुस्लिम भाई बहन आए थे और मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको सीएए से क्या प्रॉब्लम है। बोले, जब से मोदी आके समझा दिए लाल ये रामलीला मैदान में, तब से हम लोग समझ गए कि ये दोनों पार्टी जो है झूठ-मूठ का हमको हिंसा में डाल रही है, हमारे बच्चों को और मुस्लिम को बदनाम कर रही है। सर, एक ये बताइए, इस बार मुद्दे क्या रखेंगे इलेक्शंस के लिए? मुद्दा है साफ पानी, मुद्दा है साफ हवा, मुद्दा है हर 5 मिनट पे एक इलेक्ट्रिक बस, मुद्दा है जो वादा किया गया था वो 3 महीने के लिए ना हो, 60 महीने के लिए हो, यही मुद्दा है। सरकार 60 महीने के लिए होती है साहब, 3 महीने के लालच के लिए नहीं। तो ये चुनाव में लालच दीजिए और बाकी फिर जनता के पीठ में छुरा घोंपिए, यही मुद्दा है। और बीजेपी ये सारे मुद्दे पे खरा उतरने के लिए दिल्ली से जनमत मांग रही है। तो अभी आपने सुना मनोज तिवारी जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे मुद्दे हैं जो पानी, साफ पानी को लेकर उठाएंगे, बिजली को लेकर उठाएंगे। कैमरामैन राहुल देव के साथ मैं पड़ा दीक्षित, R9 TV।